गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आपके संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पढ़ रहे थे, इसी कड़ी को हम आज फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो प्रत्यय में हम अगला प्रत्यय लेंगे आपके शानच प्रत्यय। आपके प्रत्यय का नाम है शानच प्रत्यय। आपके किसी भी धातु के साथ शानच प्रत्यय को जोड़ने का क्या मतलब होता है कि शानच प्रत्यय के साथ आपको जोड़ना है पुल्लिंग का पद बनाने के लिए। अमानह, पुल्लिंग का पद बनाने के लिए आपको जोड़ना है अमानह, और स्त्रीलिंग का पद बनाने के लिए आपको जोड़ना है अमाना। और इसी तरह से जब शानच प्रत्यय जोड़ के आप नपुंसकलिंग का पद बनाएंगे तो आपको जोड़ना है अमाना। तीन पद है आपके पास जोड़ने के लिए, अमाना अमाना अमाना। शानच प्रत्यय जोड़ के अगर अपन पुल्लिंग का पद बनाते हैं तो अपन जोड़ेंगे अमाना, अगर स्त्रीलिंग का पद बनाना है तो अपन जोड़ेंगे अमान, और अगर नपुंसकलिंग का पद बनाना है तो अपन जोड़ेंगे अमान। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय की तरह इस प्रत्यय का प्रयोग भी आपके वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया का बोध कराने के लिए ही किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो आपका क्षत्रिय प्रत्यय है वो तो आपके परस्मैक पदी धातुओं के साथ जुड़ता है, और जो आपका शानच प्रत्यय है ये आपके आत्मनेपदी धातुओं के साथ जोड़ा जाता है। देखिए किस तरह से, जैसे आपको आपकी आत्मनेपदी धातु दे दी लग, और आपसे कहें कि शानच प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग का पद बना, तो लब के साथ क्या जोड़ना है अपन को, पुल्लिंग का पद बनाने के लिए आपको जोड़ना है अमाना। क्या जोड़ना है, अमाना। ये अपना अधूरा व्यंजन है, इसके आगे आपको स्वर दे दिया तो ये स्वर से मिलकर के पूरा हो जाएगा, यानी स्वर की मात्रा आपके अधूरे व्यंजन में आकर के मिल जाएगी। तो भ मिल जाएगा आपका अ से, और ये पुल्लिंग का पद आपकी क्या बन गया, लभ माना। इसी तरह से जब आप शानच प्रत्यय में स्त्रीलिंग का पद बनाएंगे लभ धातु के साथ, शानच प्रत्यय को जोड़ करके आप स्त्रीलिंग का पद बनाएंगे तो लघु के साथ क्या जोड़ेंगे अपन, अपन जोड़ेंगे स्त्रीलिंग में अमान। यह अधूरा व्यंजन है, इसके आगे अपन को स्वर दे रखा है तो ये इससे मिलके पूरा हो जाएगा, और स्त्रीलिंग का पद क्या बन जाएगा, लघु माना। फिर आपका तीसरा आएगा नपुंसकलिंग का पद। जब अपन लघु धातु के साथ शानच प्रत्यय जोड़ करके नपुंसकलिंग का पद बनाएंगे तो अपन को लभ के साथ क्या जोड़ना है, अपन को जोड़ना है अमाना। फिर से वही अधूरा व्यंजन आपका आगे वाले स्वर से मिलके पूरा हो जाए, और ये पद क्या बन जाएगा आपका, लभ माना। इस तरह से जुड़ेगा आपका शानच प्रत्यय, पुल्लिंग पद बनेगा आपके लभ माना, स्त्रीलिंग में लभ माना और नपुंसकलिंग में लभ माना। एक और उदाहरण देखिए आप, यह आपको धातु दे दी वृत्त, यह आपकी आत्मनेपदी धातु है, वृत्त धातु के साथ शानच प्रत्यय जोड़ के आपको पुल्लिंग का पद बनाना है। तो ये तो अपन पता कर ही लिया अपन ने कि पुल्लिंग का पद बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना है, अमाना। लेकिन ये जो आपका वृत्त धातु है पहले इसका रूप बदलेगा, क्या रूप बदलेगा, इसका ये जो र है ये अपने आगे वाले व्यंजन के यानी त के ऊपर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका रूप वृत्त की जगह हो जाएगा, ये आपके वर्त। अब ये आपका अधूरा व्यंजन जो त है ये आगे वाले स्वर यानी अ से मिलके पूरा हो जाएगा, और ये पद क्या बन गया आपका, वर्तमान। यानी जो आपका हिंदी का वर्तमान शब्द है वो किससे मिलकर बना है, वृत्त धातु के साथ जब अपने शांत प्रत्यय जोड़ा है तो पुल्लिंग में आपका पद बना है वर्तमान, को संस्कृत में ये आपका हो गया वर्तमान। इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, स्त्रीलिंग का पद बनाएंगे अपन तो पहले इसका रूप बदलेंगे अपन, वृत्त की जगह हो जाएगा आपके वर्त, स्त्रीलिंग में जोड़ना है आपको अमाना, यह अधूरा व्यंजन आपके स्वर से मिलकर पूरा हो जाएगा, और ये पद क्या बन गया आपका, वर्तमान।
नपुंसक लिंग का पद बनाना है आपको तो अपन को जोड़ना है अमानम। पहले आपके वृत्त का रूप बदलेगा, आपके ये हो जाएगा आपके वर्ण। अभी अधूरा व्यंजन आगे वाले स्वर से मिलकर पूरा होगा, कोई क्या पद बन जाएगा आपके वर्तमानम। तो इस तरह बनेंगे आपके वर्तमानम, वर्तमाना और वर्तमानम। एक उदाहरण और लेंगे अपन आपके शानस प्रत्यय के लिए। देखिए आपसे कह रहे हैं रुच धातु के साथ शानस प्रत्यय जोड़ करके आप पुल्लिंग का पद बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जिन धातुओं की उपधा में आपको स्वर दे रखा है उन, उसको गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश आप जानते हैं, ऊ को गुण आदेश क्या हो जाता है ओ, यानी इस ऊ के स्थान पर आपके क्या स्वर आ जाएगा ओ। गुण आदेश होते हैं इसका रूप क्या बन जाएगा आपके रुच की जगह बन जाएगा ये आपके रोच। अब पुल्लिंग का पद बनाना है तो आपको जोड़ना है अमानम। ये आपका ध्रुव व्यंजन इस स्वर से मिलकर पूरा हो जाएगा और ये पद क्या बन जाएगा आपका रोच माना। स्त्रीलिंग में लेंगे अपन तो पहले इस ऊ को हो जाएगा आपके गुणादेश यानी ओ। अब यह ध्रुव व्यंजन आपका स्वर से मिलेगा और स्त्रीलिंग का पद क्या बनेगा आपके रोच माना, रोच माना, रोच माना। अब लेंगे अपन आपके नपुंसक लिंग का पद, इसको गुण आदेश होगा तो रुच का रूप हो जाएगा आपके रोच। अभी अधूरे व्यंजन आगे वाले स्वर से मिलकर पूरा होगा और ये पद बन जाएगा आपका रोच माना, रोच माना, रोच माना, रोच माना। तो ये था आपके शानक प्रत्यय। इसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे कल अपनी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।